मीरा अध्याय 6 मिस्टर आशिक। अगले कुछ दिन मैंने कैफे न जाने का फैसला किया। मेरा एक मन वहाँ जाने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन दूसरा मन अभी भी विवान के यूं अचानक चले जाने से दुखी था, और इसलिए मुझे खुद को हील करने के लिए वहाँ से दूर रहने की ज़रूरत थी। एक दिन भी विवान के बारे में सोचे बिना नहीं गुजरा था। उसके रहस्यमय व्यक्तित्व में कुछ तो ऐसा था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैं उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहती थी, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानना ही था, लेकिन इस समय मुझे खुद को किसी दूसरे की कहानी में तलाशने की ज़रूरत थी। कुछ दिन बाद मैं शनिवार वाड़ा के बगीचे में घूम रही थी। पुणे में परवरिश होने के दौरान यह मेरी पसंदीदा जगहों में से एक थी। मुझे इसके किले और मैदान में घूमना बहुत सुहाता था। मेरे हाथ अचानक ही इसके स्टील गेट को छूने के लिए बढ़ जाते थे। बचपन में मैं भालेदार गेट को देखा करती प्रवेश द्वार पर रोक के लिए लगाया गया था, और मन ही मन प्रार्थना करती थी कि मैं कब बड़ी होकर इन्हें छू पाऊंगी। हम बड़े होने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं? बड़ा होने के बाद बस हमें तकलीफ मिलने की संभावनाएं और बढ़ ही जाती हैं। पथरीले मार्ग पर चलते हुए अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने पॉकेट से फ़ोन निकालकर मैसेज देखा। मैं भेजने वाले का नंबर नहीं पहचानती थी। उत्सुकता से मैंने मैसेज पढ़ा। सॉरी, आप कौन? मैंने वापस टेक्स्ट किया। चलो मिलते हैं, भेजने वाले ने अपना नाम नहीं बताया था। मेरा दिल उछलने लगा था। शायद वह भेजने वाले को जानता था, लेकिन मैं पूरी तसल्ली कर लेना चाहती थी। मेरा एक मन छलांगे लगा रहा था, जबकि दूसरा कुछ चिढ़ा हुआ था। कुछ पल मैंने मैसेज को इग्नोर किया। उसे कुछ इंतज़ार करने दो। आखिरकार मैंने जवाब दिया। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। तुम मुझे नहीं जानती क्या, मिस राइटर? मैं हैरान थी कि यह सच में विवान ही था। मैं सोच रही थी कि शायद मेरे जाने के बाद उसने कबीर से मेरा नंबर लिया होगा। मैं अभी भी तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम हमेशा भाग निकलते हो, मैंने जवाब दिया। तो आओ और मेरे बारे में जान लो, कल शाम 7 बजे कॉफ़ी एंड अस। मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। मैंने मैसेज किया, मैं टेबल पर तुम्हें हथकड़ी से बांध दूंगी जिससे तुम भाग नहीं पाओ। अगला दिन बेताबी और इंतज़ार में गुजरा। मैं विवान के रहस्यमय व्यक्तित्व का जवाब जानने को बेचैन थी। उसकी कहानी मुझे बुला रही थी, उकसा रही थी कि मैं परत दर परत उस पर लिख दूं। मैं बहुत जल्दी कैफ़े पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन जब तक मेरा तैयार होना ख़त्म हुआ तो समय भी नहीं निकल चुका था, और वास्तव में मैं 30 मिनट लेट हो गई। कैफ़े पूरी तरह भर चुका था, और मैं इस उम्मीद में हर तरफ देख रही थी कि विवान मेरा इंतज़ार कर चला ना गया हो। मैंने एक कोने में भीड़ से कुछ अलग उसे बैठे हुए देखा। वह कॉफ़ी पीते हुए मुझे देख मुस्कुराया। विवान कैजुअल कपड़ों में भी उतना ही अच्छा लग रहा था जितना सूट में। मैंने उसकी जीन्स और ब्लैक पोलो शर्ट पर एक नज़र डाली और उसकी टेबल की तरफ बढ़ गई। गहरे रंग उस पर फबते थे। मैं तो सोच रहा था कि अब तुम यहाँ कभी नहीं आओगी, मेरे बैठते ही विवान ने मजाक करते हुए कहा। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई, मैंने कहा, लेकिन कोई वजह नहीं बताई। मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेकरार हूँ। बताऊँगा, उसने वादा किया, लेकिन पहले बताओ कि और सब कैसा चल रहा है। मैंने सब्र ना खोते हुए कहा, मेरा काम बढ़िया चल रहा है, जल्दी से बात ख़त्म करने के लिए। और कुछ मज़ेदार काम किया? मैं मुस्कुराई। हाँ, मैं शनिवार बाड़ा गई थी। उन बगीचों में मुझे बहुत शांति मिलती है। मुझे भी वहाँ जाना पसंद है, उसने कहा। इतना बड़ा इतिहास हमारे कितना करीब है। तो फिर तुम ट्रैवल पर क्यों जाना चाहते हो? मैं पूछने के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन मैं उसका ध्यान हमारी टेबल से हटाना नहीं चाहती थी। मैं उसका मन इस कॉफ़ी शॉप में सिर्फ मुझ पर ही टिकाए रखना चाहती थी, ना कि दुनिया घूमने के ख्यालों में खो जाने के लिए। तो अपने बारे में बताओ रहस्यमय विवान, मैंने सीधे पूछ लिया। मेरा जन्म और पालन पोषण मुंबई में ही हुआ, विवान ने बताना शुरू किया। बचपन में ही मेरी माँ चल बसी और मेरे पिता ने मुझे खूब प्यार और संभाल से पाला। मैंने देखा कि माँ की बात करते हुए उसकी आंखों में दर्द झलक आया था।
फिर तुरंत ही पिता के बारे में बात करते हुए उनमें खुशी उमड़ रही थी। अगर भावनाओं के रंग होते तो मैं जानती थी कि उसकी आंखों में मैंने कुछ ही पल में दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्ट पीस देख लिया होता। तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मैंने कहा। मेरी आंखों में पानी भर आया था। इट्स ओके, विवान ने कहा और वह खिड़की के बाहर किसी और चीज पर फोकस करने की कोशिश करने लगा। मुझे अच्छा लगा कि वह अपनी माँ को याद करता था। अगर ऐसा मेरे साथ उस उम्र में हुआ होता तो मैं जानती थी कि खालीपन के उस हिस्से को किसी भी तरह से भरा नहीं जा सकता। हालांकि वह अभी भी मेरे लिए अजनबी ही था, लेकिन मेरा मन उसे सीने से लगाकर सहारा देना चाहता था। उसका ध्यान वापस टेबल पर लाने के लिए मैंने गला साफ किया। अब अपने बारे में कुछ और बताओ, वह मुस्कुराया। मैंने फाइनेंस में मास्टर पूरी की और बैंकिंग सेक्टर में काम करने लगा। कुछ सालों की मेहनत और बहुत सारे संघर्ष के बाद मैं हमारी कंपनी का सबसे युवा असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ, उसने गर्व से कहा। और शायद अगले कुछ सालों में बैंक का सबसे युवा चीफ ब्रांच मैनेजर भी बन जाऊँगा। शानदार, मैंने मन से कहा। मेरे सामने बैठा आदमी सच में मेहनती था। मेरे बारे में बस यही है। मैं जानती थी कि कुछ और भी है, कुछ ज़्यादा गहरा, जो उसके दिल के ज़्यादा गरीब था। मैं उसके सारे सीक्रेट जान लेना चाहती थी। मैंने चुनौती देने के अंदाज में अपने हाथ बांधे। यही पूरी कहानी है जो तुम मुझे बताना चाहते थे, मैंने अपनी भौं उठाते हुए अविश्वास से पूछा। हाँ, यही मेरी कहानी है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैंने पूछा। नहीं, मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी, क्या वो दिलचस्प नहीं थी, विवान ने जवाब दिया। मैं एक पल के लिए भी यह मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम्हारी और भी कहानी है और तुम उसे छिपा रहे हो। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ, मैंने जोर देते हुए पूछा। गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, विवान ने सिर हिलाते हुए कहा। रुको, मैंने एक बार फिर से सोचा कि मैं उसके बारे में गलत तो नहीं थी। तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, मैंने कुछ परेशानी से पूछा। नहीं, शट अप, मैं दिल से हंसा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। विवान, मैंने निराशा को अपनी आवाज़ में आने दिया। तुमने मुझे यहाँ बुलाया और अब तुम ही मुझे कुछ बताने से मना कर रहे हो, मैंने साफ कहा। उसने आह भरी। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और बॉयफ्रेंड तो पक्का ही नहीं है, मैं सिंगल हूँ। मैंने मुस्कुराकर उस वेट्रेस को देखा जो मेरे लिए कैपेचिनो लाई थी और फिर विवान की तरफ मुड़ी। ओके, तो अपने अतीत के बारे में बताओ, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम अपना कह सको? उसने लंबी सांस ली। मेरे भी कुछ एक आकर्षण रहे हैं, लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ मीरा। मैंने कन्फ्यूजन से उसे देखा, वह ज़रूर कुछ छिपा रहा था। मैं निराश हूँ, मैंने वैसे ही कहा जैसे मेरे टीचर क्लास में किसी का पेपर अच्छा नहीं जाने पर कहते थे। क्यों? उसने बहुत चढ़ाई और अपने कॉफ़ी मग पर उंगलियां थपकने लगा। मैंने सब्र से समझाया, मुझे लगा कि तुम्हारे पास बताने के लिए कोई बढ़िया सी लव स्टोरी होगी, कुछ मज़ेदार सी जिस पर लिखा जा सके। मीरा, अगर तुम देखो तो हर तरफ स्टोरी है, मैं उसकी आवाज़ में अफसोस सुन सकती थी। उसने आगे बढ़कर कप के पास उंगलियों को छुआ, अपना हाथ मेरे हाथ पर रख नरमी से दबाया। उसके इस दोस्ताना व्यवहार पर भी मेरी नब्ज़ मानो डूबने ही वाली थी। मुझे हर जगह कहानी नहीं मिल सकती ना, बस मैं एक ही कहानी ढूंढ पाई थी, वो भी तुम्हारी आंखों में, मैंने फुसफुसाया। विवान खामोश हो गया। उसने कबीर को दूसरी कॉफ़ी लाने का इशारा किया। जब कबीर कॉफ़ी के दूसरे प्याले लेकर आया तो विवान ने कहा, शायद तुम्हें कहीं और देखने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ? कबीर की आंखों में। कबीर और मैंने एक दूसरे को देखा और हम दोनों ही विवान की बात से सकते में थे। उसकी बात से कैपेचिनो का मेरा दूसरा कप भी मानो टेबल पर लड़खड़ा गया। क्या? कबीर और मैंने एक साथ ही पूछा। विवान हमारे कन्फ्यूजन पर हंसा। क्या तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कबीर लोगों को यहाँ आते देख उन्हें कितनी प्यारी मुस्कान देता है? उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो युवा है या वृद्ध, वह सबका स्वागत मुस्कुरा कर करता है। मैंने कबीर को देखा, अचानक मेरे दोस्त का दूसरा ही रूप नज़र आया। किस तरह वह लोगों को यहाँ घर का, अपनेपन का एहसास कराता है।
हाँ, ये करने की तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ, कबीर ने खुशी से कहा। वह अपने कस्टमर के लिए बेस्ट कॉफ़ी भी बनाता है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे ज़रूर किसी से प्यार हुआ होगा और उसके पास कोई लव स्टोरी भी होगी, विवान ने उत्साह से अपनी बात ख़त्म की। मैं हैरान थी कि कैसे वह सामने वाले की इतनी छोटी छोटी बातें देख पाता था। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं कबीर को तुमसे बहुत पहले से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह अच्छा है और मिलनसार इंसान है, और वह अपने कस्टमर की बहुत अच्छी तरह केयर करता है। लेकिन कबीर की लव स्टोरी का ख्याल तो कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बताओ कबीर, क्या विवान सही कह रहा है? कबीर ने शांति से कहा, कहते हुए उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे। विवान ने आगे झुककर एक चेयर खींच ली। क्या तुम एक मिनट बैठ सकते हो? मुझे पता है कि तुम अभी बिजी हो, उसने कहा। कबीर ने एक नज़र कैफे पर डाली और फिर सिर हिलाकर कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर आशिक, अपने बारे में कुछ बताओ। अध्याय 7, कोल्ड कॉफी। हाँ, मुझे भी प्यार हुआ था, कबीर ने बताना शुरू किया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि अगर मैं उसका चेहरा नहीं देख रही होती तो उसकी आवाज़ पहचान नहीं पाती। जहाँ मैं उसकी आवाज़ के लहजे से हैरान थी, वहीं इस कबूल नामे ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। वो कौन है? उसका नाम क्या है? वह अभी है कहाँ? मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसका नाम निशा है, वह पहले इस कैफ़े में आया करती थी। ये तुम दोनों के इस कैफ़े में आने से बहुत पहले की बात है। फिर क्या हुआ, वह अब यहाँ क्यों नहीं आती? मैंने पूछा। विवान खामोश था, वह ध्यान से कबीर की बात सुन रहा था। उसके मुंह से निकली हुई बात भी और उसके हाव भाव से व्यक्त होने वाली बात भी। मुझ में उतना सब्र नहीं था, मैं बस पूछे जा रही थी। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान लेना चाहती थी, मैं कहानी जानना चाहती थी। और जैसे कि मैं इसके लिए रोमांचित थी हर बारीकी के साथ, कबीर की कहानी लव स्टोरी नहीं थी जैसा मैं उसे देख पा रही थी। कम से कम उसकी आवाज़ में बयां हो रहे दर्द से तो यही लग रहा था। मीरा, शांत हो जाओ, कबीर को अपनी बात कहने दो, विवान ने नरमी से मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। सॉरी कबीर, मैंने कुछ शांत आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारे और निशा के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, प्लीज़ आगे बताओ ना। कबीर ने गहरी सांस ली और नीचे नज़र करके टेबल पर रखे अपने हाथों को देखने लगा। मेरा पालन पोषण निम्न मध्यवर्गीय परिवार में मेरी छोटी बहन के साथ हुआ। मेरे पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, लेकिन हार्ट अटैक पड़ने की वजह से उन्हें जल्दी ही रिटायरमेंट लेना पड़ा। ओह, मैंने धीमे से कहा, लेकिन उसकी बातों में दखल नहीं दिया। हमारी सारी बचत उनके इलाज में निकल गई। वह मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था। मेरी माँ और छोटी बहन ने घर चलाने और उनके इलाज का खर्च निकालने के लिए घरों के काम करने शुरू कर दिए। तब मैंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ नौकरी ढूंढने का फैसला किया। पहले तो मेरी माँ ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वह टूट गया, विमान धीमे से बुदबुदाया। नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता जो तुमने कर दिखाया, कबीर ने सिर हिलाया और अपनी बात आगे बढ़ाई। मैंने तुरंत काम ढूंढना शुरू कर दिया और किस्मत मुझे यहाँ ले आई। इन्हें अपने स्टाफ में एक नए आदमी की ज़रूरत थी जो बढ़िया इंग्लिश बोलता हो, और किस्मत से मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिल गया। और मेरे लिए इस जॉब का मिलना बहुत बड़ी नेमत थी, वह खुशी से मुस्कुराया। 3 सालों में ही मैं मैनेजर बन गया। तब से मेरी फैमिली भी ठीक से चल रही है, और इसके लिए मैं हर दिन भगवान को थैंक्स कहना नहीं भूलता। मैं कभी नहीं जानती थी कि कबीर इतने मुश्किल समय से गुजरा था। वह बाहर से बहुत मिलनसार दिखाई देता है, और मैंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया कि उसके दिल में इतना दुख छिपा था। मैं चिल्लाना चाहती थी, कबीर बंद करो, क्योंकि मेरी आंखें पहले ही आंसुओं से भर चुकी थी। खुद को बोलने से रोकने के लिए मैं अपने होंठ काटने लगी। इसमें तुम्हारी मेहनत और समर्पण की भी भूमिका है, विवान ने कहा। मैं कभी नहीं जानती थी कि तुम ऐसे मुश्किल समय से गुजरे थे।
तुमने कभी मुझे यह सब नहीं बताया। तुम हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते थे, मैंने क्या ही दिया। कबीर ने आह भर के कंधे उचकाए। तुमने कभी पूछा ही नहीं मीरा, उसने कहा। इस समय निशा की कहानी क्या है? विवान ने हमारी बातचीत को वापस कबीर की लव स्टोरी की तरफ मोड़ते हुए कहा। कबीर के चेहरे पर अनजाने से भाव थे जब उसने आगे की कहानी के बारे में सोचना शुरू किया। यहाँ काम करने के कुछ महीने बाद मैंने एक लड़की को कैफे के कोने में रोता हुआ देखा। इससे मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी प्यारी लड़की मुस्कुराने के बजाय रो क्यों रही है। मैंने उसके लिए बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी बनाई और उसमें आइसक्रीम डालकर उसकी टेबल पर रख आया। उसने हैरानी से ऊपर देखा और तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। उसने कहा, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जानता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इससे तुम्हें कुछ बेहतर महसूस होगा। मैं बता सकता हूँ कि मुझे थैंक्स कहने के लिए वो बहुत कोशिशों के बाद मुस्कुरा पाई थी। उसके बाद वह और भी कई बार आई। वह हमेशा अकेली आती, परेशान और उदास। हर दिन मैं उसे बेहतर महसूस करवाने के लिए अपनी तरफ से अलग अलग कॉफ़ी ट्राई करता। हालांकि उसने कभी भी कुछ ऑर्डर नहीं किया था, मैंने कभी उसे बिल नहीं दिया। हर दिन उसका बिल मेरी सैलरी से कट जाता। तब मुझे एहसास हुआ कि प्यार में आप दीवानों वाली हरकतें करने लग जाते हैं। एक दिन मैंने आखिरकार हिम्मत करके उसके उदासी का कारण पूछ ही लिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? वह मेरी दखल से कुछ हैरान दिखी। ये तुम्हारा काम नहीं है, उसने गुस्से से कहा। वह तुरंत खड़ी हो गई अपनी कुर्सी पीछे फेंकते हुए। फिर वह चली गई। उसके बाद उसने कैफे में आना बंद कर दिया। वह इतना खराब बर्ताव कैसे कर सकती थी? वह ऐसे ही कैसे चली गई? विवान नाराज था। देखो तो, यह बात कौन कर रहा है? मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। वह तुरंत समझ गया कि मेरे कहने का क्या मतलब था। क्या वह दोबारा वापस आई? मैंने पूछा। हाँ, वह आई। मेरी कोल्ड कॉफ़ी उसे यहाँ खींच लाई। कबीर मुस्कुरा रहा था। अध्याय 8, कैफे कबीर। जिंदगी का खट्टा मीठा समय याद करते हुए कबीर की आंखें चमक रही थीं। मैंने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया जो वेटरेस टेबल पर रख गई थी। उसने एक घूंट लिया और आगे की कहानी बताने से पहले कुछ याद करने लगा। क्या मुझे कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम मिल सकती है? एक मीठी आवाज़ ने मुझसे पूछा जब मैं कैफे रजिस्टर में एंट्री करने में बिजी था। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी जिसका मैं पिछले एक महीने से इंतज़ार कर रहा था। उस दिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने बहुत सुंदर कॉरल ड्रेस पहन रखी थी। वो बहुत आकर्षक दिखाई दे रही थी। जी ज़रूर मैडम, मैंने घबराहट से कहा। निशा, वह मुस्कुराई। कबीर, मैं भी मुस्कुराया। मैंने उसके लिए कॉफ़ी बनाई जबकि वह एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गई। वह चेयर पर बैठकर मुझे देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझ पर कुछ जादू कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस तरह एक महीने बाद आकर वह मुझे नर्वस क्यों कर रही थी। थैंक यू, उसने कहा जब मैंने उसकी टेबल पर कॉफ़ी रखी। यू आर मोस्ट वेलकम, मैंने कहा। उसने लंबा घूंट भरा और मुस्कुराई। उसे खुश देखकर मुझे अच्छा लगा और मैं अपने काम की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। आई एम सॉरी, उसने मासूमियत से कहा। मैं उसकी तरफ मुड़ा। क्यों? मैंने पूछा। उस दिन के लिए, उसने कहते हुए मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। कैफ़े में थोड़े ही लोग थे तो मेरे पास कुछ समय था। मैंने बैठकर उसकी माफ़ी के लिए सिर हिलाया। मुझे उन दिनों के लिए आपका शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने कहा। उसने टेबल पर अपने हाथ रखे और मेरी तरफ झुकाई। मैं आपको बताती हूँ, उसने जोर किया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था और मैं उन दिनों बहुत डिप्रेस थी। मैं उन कॉफ़ी के लिए आपसे थैंक्स कहना चाहती हूँ। उनसे मुझे सच में बहुत अच्छा महसूस हुआ। तुम्हारा शुक्रिया, मैंने नरमाई से कहा, हालांकि मेरे अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। मुझे खुशी है अगर मैं आपकी कुछ मदद कर पाया। आपने मदद की, उसने जवाब दिया।
बहुत ज़्यादा। उसने आपके साथ ब्रेकअप क्यों किया, मैंने पूछा। इतना निजी सवाल पूछना शायद गलत था, लेकिन मैं हैरान था कि कोई इतनी प्यारी लड़की को कैसे छोड़ सकता था। वह इतनी खूबसूरत थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसका चेहरा परी जैसा था और बाल तो मानो रेशमी अंधेरे। उसकी बड़ी आंखें तो मुझे अपनी आत्मा तक उतरती लगती थी। भरे भरे होंठ बिल्कुल चीनी मिट्टी की मूरत जैसे। निशा ने आगे बताना शुरू किया। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और जल्द ही दोस्त बन गए। उसने 6 महीनों में ही मुझे प्रपोज भी कर दिया। मैंने प्रपोजल स्वीकार कर लिया। मैं जानती थी कि वह मुझे बहुत प्यार करता था। वह मेरे लिए बहुत सारे उपहार लाता और मेरी बहुत परवाह किया करता। कुछ ही समय बाद हम अपने रिलेशन को अगले लेवल पर ले गए। हम दोनों बहुत करीब आ गए और अक्सर आपसी संबंध बनाने लगे। और फिर वो बदकिस्मत दिन आया, मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। वह बहुत डर गया और उसने मुझे अबॉर्शन करवाने को कहा। मैंने मना कर दिया और उससे तुरंत शादी करने को कहा। आखिरकार वह मुझसे प्यार करता था ना। आंसू उसकी आंखों में चमक आए। उसने कहा कि उसे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए और वह मुझे बाद में फ़ोन करेगा। उसने कभी पलटकर फ़ोन नहीं किया और मेरे फ़ोन और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया। मैं पूरी तरह टूट गई। वह अब और अपने आंसू नहीं रोक सकी और फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज़ रो मत, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। आई एम सॉरी, उसने खुद को संभालते हुए कहा। मैंने डरते डरते पूछा, क्या तुमने अबॉर्शन करवा दिया? हाँ, मुझे करवाना ही पड़ा। उस दिन जब तुमने मुझसे मेरी परेशानी पूछी थी, उसी सुबह मैं अबॉर्शन करवा के आई थी और मैं बहुत डिप्रेस थी। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। मैं जानता था कि वह मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी। मुझे अफसोस हुआ। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, इट्स ओके, मैं अब ठीक हूँ, थैंक्स टू यू। यह सुनकर मैं हैरान था, मुझे थैंक्स क्यों? तुम नहीं, दरअसल तुम्हारी कॉफ़ी, वह हंस पड़ी। हर दिन मैं यहाँ अकेले बैठकर सोचने के लिए आती कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल सुसाइड की दहलीज पर खड़ी थी। मेरी सारी उम्मीदें खो चुकी थी। मेरा प्यार, जीवन या अच्छाई से भरोसा उठ चुका था। लेकिन जब तुम मेरे बिना मांगे रोज़ मुझे इतनी बढ़िया कॉफ़ी देने लगे, तो मुझे एक नया जीवन सा मिला। तुमने मुझे दिखाया कि और भी रास्ते हैं। कोई है जो मेरी इतनी परवाह कर रहा था, वो भी मुझे जाने बिना। मैं जानती थी कि दुनिया में बुरे लोग थे, लेकिन अब मैं जान गई थी कि यहाँ तुम्हारे जैसे अच्छे लोग भी हैं। इस सब के लिए शुक्रिया। अगर मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच पाई हूँ, तो उसका कारण सिर्फ तुम ही हो, निशा ने मुस्कुराते हुए समझाया। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया, मैंने प्यार से कहा। मैं नहीं जानता था कि इतने छोटे कामों से भी लोगों के जीवन में इतना बड़ा फर्क लाया जा सकता है। लेकिन काश उस दिन तुमने मुझसे बात कर ली ही होती, मैंने कहा। तुम उसमें क्या कर लेते, उसने हैरानी से पूछा। मैं कर सकता था, मैं हकलाया। क्या? मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकता था। वह कुर्सी पर सीधी बैठ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? कैसे? निशा ने पूछा। मैं तुमसे शादी कर लेता, मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा। उसने अपना हाथ मेरे हाथ से खींच लिया। तुम क्या कह रहे हो, उसने गुस्से से पूछा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ऐसा क्यों करते? कोई भी ऐसा क्यों करेगा? निशा बहुत नाराज थी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ निशा, और प्यार तुमसे सब कुछ करवा देता है। क्या तुम उससे शादी करोगी? मैंने कहकर अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर, तुमने उससे सच में पूछ लिया? विवान ने अविश्वास से पूछा। वह सिर हिलाकर मुस्कुराया। हाँ, मैंने पूछा, कबीर ने शांति से कहा। मैंने अपने आंसू पूछे। उत्सुकता ने उदासी को दूर कर दिया था। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते थे, या ये जज्बाती ख्याल था? क्या उसने हाँ कहा? मैंने और विवान ने लगभग एक साथ पूछ लिया। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, उसने हाँ कहा, कबीर मुस्कुरा रहा था। मैं बहुत रोमांचित थी। मैं अपनी चेयर पर ही मानो उछल रही थी। तो तुम लोग शादी कब कर रहे हो? नहीं पता,
उसने कहा। उसकी आवाज़ में फिर से निराशा थी। एक प्रॉब्लम है, मैं गुर्राई। इस सब के बाद अब और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं हैरान थी। विवान और मैंने एक दूसरे को देखा और उसने कंधे झटके। बताओ हमें, विवान ने जानना चाहा, क्या प्रॉब्लम है? वह अमीर परिवार से है और मैं नहीं, कबीर ने जवाब दिया। मैं गुस्से में थी। अब ये मत कहना कि उसके माँ बाप ने उसे तुमसे शादी करने से मना कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो शादी के लिए तैयार थे और दरअसल वो तो इस बात से बहुत खुश भी थे। तो फिर क्या समस्या है? मैंने पूछा। कबीर ने आह भरी। मैं उसे बहुत खुश रखना चाहता हूँ, उसे एक सुरक्षित भविष्य देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन सच यह है कि पैसा ज़रूरत तो होता ही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी वैसे ही बड़े हों जैसे मैं बड़ा हुआ था। मैं उससे शादी से पहले अच्छे पैसे कमाना चाहता हूँ। विवान ने उसकी बात समझकर सिर हिलाया। लेकिन यह अच्छी जॉब है, उसने कहा। यह एक सिंगल इंसान के लिए अच्छी जॉब है, कबीर ने समझाया, लेकिन एक परिवार का खर्च मेरी कमाई से नहीं चलाया जा सकता। निशा को आरामदायक ज़िंदगी की आदत है और उससे भी बढ़कर मैं अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन और बेहतर लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ, जो इसमें संभव नहीं है। ये तो सच है, मैंने हामी भरी। प्यार में बहुत ताकत होती है, कबीर ने आगे कहा। यह आपसे वो काम करवा देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। विवान कुछ सोच रहा था। और पैसे कमाने की तुम्हारी क्या योजना है? उसने खुलकर पूछा। मैं अपना कैफे शुरू करना चाहता, कबीर ने जवाब दिया। यह हमेशा से मेरा सपना रहा है और अब तो यह और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तुम उसमें बहुत कामयाब भी रहोगे, मैंने चहकते हुए कहा। तुम यहाँ भी तो कितना कमाल का काम करते हो, जैसे यह तुम्हारी खुद की जगह हो। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम यकीनन इससे बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे। थैंक यू, उसने विनम्रता से कहा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है कि उठो और दरवाज़ा खोल लो। मुझे इसके लिए बहुत सारे पैसों और काम के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा मैं हिसाब लगाता हूँ उतना ही डर जाता हूँ कि ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा। और फिर मेरी निशा से शादी कैसे होगी? अभी मैं जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करता हूँ, कबीर ने समझाया। इसमें कितना पैसा लगेगा? विवान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं एक बार फिर से रोना चाहती थी। कबीर से ऐसे सवाल पूछना कठोरता थी, वो भी तब जब हमें उसकी आर्थिक हालत पता चल गई थी। कबीर ने अपने हाथ उठाते हुए कहा, लगभग 15 से 20 लाख। विवान ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और चेकबुक निकाली। कबीर और मैंने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। वह क्या करने वाला था? ये 5 लाख का चेक है, विवान की आवाज़ में दृढ़ता थी। इससे शुरू करो, बाकी का जल्द ही तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगा, वह मुस्कुराया। मैं सकते में थी, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। कबीर ने अविश्वास से चेक देखा और धीरे से सिर हिलाया। लेकिन विवान, मैं इसे नहीं ले सकता, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। वह चेक को वापस विवान को देने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। मैंने देखा कि कई सिर हमारी तरफ घूम गए थे। क्या मैं सच में अब भी तुम्हें नहीं जानता हूँ, मिस्टर आशिक? विवान ने धीमी आवाज़ में कहा, जिससे कैफ़े में कोई और हमारी बात नहीं सुन पाए। वह मुस्कुराया और आगे बोला, और हाँ, यह कोई एहसान नहीं है, यह बिजनेस डील है। हम इसमें पार्टनर रहेंगे, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा और तुम कैफ़े चलाना। क्या हम डील कर सकते हैं? हालांकि कबीर को जवाब देने में समय नहीं लगा, फिर भी मैं उसके भाव से बता सकती हूँ कि उसका दिमाग एक ही साथ कई दिशाओं में भाग रहा था। थैंक यू सो मच, कबीर बहुत भावुक हो गया था। एक पल हम सभी खामोश हो गए। तो तुमने अपने कैफ़े का कोई नाम सोचा क्या? मैंने पूछा। मैंने खुद को कभी इतना आगे के बारे में सोचने ही नहीं दिया, उसने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कैफ़े कबीर, मैंने मुस्कुराते हुए सुझाया। कबीर ने हाँ में सिर हिलाते हुए आगे बढ़कर हमारे हाथ पकड़ लिए। हम इसे साथ में शुरू करेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। आज का दिन भी क्या दिन था, मैंने अपनी फेवरेट नाइट शर्ट निकालते हुए सोचा और बिस्तर में घुस गई। मेरे दिमाग में पहले से घुसी हुई पुणे की आवाज़ों ने अब तक धीरे धीरे बहना शुरू कर दिया था।
हमारी कहानी में आया ये अचानक बदलाव मेरे मन में बहुत सारे सवाल ले आया था। मैं सोच रही थी कि क्या हम सच में कैफे कबीर शुरू कर पाएंगे, लेकिन साथ ही मैं बहुत सी दूसरी बातों के बारे में भी सोच रही थी। हम सभी के ज़िंदगी में बड़े लक्ष्य होते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब बदलाव का वह पल आता है तो क्या हम वास्तव तैयार होते हैं? कबीर बदलाव से डर रहा था और यह साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने सपनों को सच करना चाहता था, लेकिन वह निश्चित नहीं था। विवान दुनिया घूमना चाहता था। मैं कल्पना नहीं कर पा रही थी कि मैं उसके बिना कैफे में बैठकर अपनी कॉफ़ी पी रही होंगी। विवान के बिना मेरी आसपास की दुनिया ही मेरे लिए अजनबी हो जाती। हालांकि मेरे अपने सपने थे लेखक बनने के। ऐसा लग रहा था जैसे सब सच हो गया था। जब दूसरे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, तब मैं और लोगों के साथ कैसे फिट हो पाऊंगी? क्या वे मुझे भूल जाएंगे? या अपना नॉवल लॉन्च करने में मैं ही इतनी व्यस्त हो जाऊंगी कि मुझे उनकी याद तक ना आएगी? मेरे विचारों में दखल फ़ोन की बीप से पड़ी। मैंने करवट लेकर फ़ोन उठाया और मैसेज देखकर मेरे चेहरे पर खुद ही मुस्कान आ गई। यकीनन वह विवान का मैसेज था। क्या तुम्हें अपनी स्टोरी मिली? हाँ मिली, मैंने तुरंत जवाब दिया। मैं फ़ोन लेकर लेट गई और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। तुम्हारी कहानी का नाम क्या है? उसने पूछा। हर किसी की होती है कहानी, मैंने जवाब दिया। अध्याय 9, दो पैकेट। एक थकान भरे दिन के बाद मैं विवान के साथ कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े पहुंची। मैंने उसे पहले ही मैसेज करके बता दिया था कि मुझे आने में लेट हो जाएगी। काम में कुछ प्रॉब्लम थी जिसे सुलझाकर ही मैं निकल सकती थी। विवान काउंटर पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। अंदर जाते हुए वह मुझे खिड़की से ही दिख गया। उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहन रखा था जिस पर बहुत सुंदर नीली टाई लगाई हुई थी। मैं माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ी। सॉरी, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारा दिन कैसा रहा? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कढ़ाई, आज मैं बुरी तरह से थक गई हूँ, बहुत टेंशन थी, उसके सामने कुर्सी पर पसरते हुए मैंने कहा। उसने सहानुभूति से मेरी ओर देखते हुए मेरी बाह थपथपाई। वेल, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, उसने कहा। मैं खिलखिलाई। सच में? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें लाया हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। इससे तुम्हारा ख़राब दिन तो नहीं बन पाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ बेहतर ज़रूर महसूस होगा, विवान ने आशा भरी आवाज़ में कहा। शर्माते हुए मैं खुलकर मुस्कुरा दी। तुम सच में मुझे सरप्राइज़ दे रहे हो? मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता था कि किसी तरह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाए। विवान ने मुझे फूलों का बुके और दो ब्राउन पेपर में लिपटे गिफ्ट देते हुए कहा। उन पर सुंदर सा रिबन बंधा हुआ था। मैंने फूल लिए और तुरंत उनकी पंखुड़ियों को सूंघने लगी गहरी सांस लेते हुए। मेरी मुस्कान के लिए तो ये फूल ही बहुत ही थे, मैंने इशारा किया। नहीं, फूल तो बस यहाँ आते हुए मुझे दिखाई दिए और मैं ले आया, असली सरप्राइज़ तो इन पैकेट में बंद है। फूल जल्दी ही मुरझा जाएंगे, लेकिन इन पैकेट में रखी चीज़ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने तुरंत फूल नीचे रखकर पहला पैकेट उठा लिया। उसे खोलने पर मुझे उसमें से एक ऑटोग्राफ हुई किताब मिली। यह उस लेखक की किताब है जिससे हुई बातचीत के दौरान हम पहली बार कैफ़े में मिले थे। पता नहीं ज़िंदगी हमें आगे कहाँ ले जाएगी, लेकिन मैंने तय किया कि इन पलों को हम बहुत अच्छी तरह बिताएंगे। यह हमारी दोस्ती का शुरुआती पॉइंट था। खुशी के आंसू मेरी आंखों में छलछला आए, क्योंकि उस रात मैं भी यही सोच रही थी। ओ गॉड, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। मैंने कहते हुए किताब खोलकर देखी कि लेखक ने उसमें क्या लिखा था। मेरे लेखक साथी, आशा है मैं लेखक बनने के आपके सफ़र को प्रेरित कर पाने में सफल रहूँगा। आपके दोस्त ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं कैफ़े में आपके लिखे शब्द सुनूँगा, जैसे आप मेरे सुनते हैं।
याद रखो, महान लेखक सिर्फ अपने ही दिल की बातें नहीं लिखते, बल्कि अपने पाठक के दिल की बात भी कह जाते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अर्जुन मेहरा। मैंने बाहें खोलकर विवान को गले लगा लिया बहुत प्यार से। वाओ विवान, तुमने सच में ये किया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने उसके गले लगे हुए ही कहा। अरे नहीं, उसने मुझे वापस मेरी चेयर पर बैठाते हुए कहा, तुम अभी यह नहीं कह सकती। कुछ भी और कहने से पहले तुम्हें दूसरा पैकेट खोलना पड़ेगा। विवान ने दूसरे पैकेट की तरफ इशारा किया जो अभी तक पैक ही पड़ा था। मैंने शांति से दूसरा पैकेट खोला। उसमें एक मोटी मजबूत किताब थी जिस पर कपड़े का कवर चढ़ा हुआ था। उस पर मेरा नाम छपा था। कंफ्यूज होकर मैंने किताब खोली। यह किताब इस बात का इशारा है कि एक दिन तुम अपना नॉवल खत्म करके लेखक बन जाओगी, जो कि तुम बनना चाहती हो। मैंने तुम्हें कोरी किताब दी है और अब तुम्हें इसका हर पन्ना अपनी कहानी से भरना है। मैंने किताब को सीने से लगा लिया, उतना ही कसकर जितना विवान को गले लगाया था। अगर मैं इसमें सिर्फ अपना नाम भी लिख पाई तो भी मैं सबसे पहले तुमसे ही उसे पढ़वाना चाहूँगी, मैंने कहा। लेकिन इतने अच्छे उपहार आखिर किस अवसर के लिए दिए जा रहे हैं, मैंने पूछा। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ नहीं, क्या जिंदगी का उत्सव मनाने के लिए कुछ खास मौका होना चाहिए? मैंने उसे फिर से गले लगा लिया। इतने शानदार बेशकीमती उपहार लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आंखों में खुशी के आंसू लिए मैं इतना ही कह पाई। यह यकीन कर पाना मुश्किल था कि अभी कुछ समय पहले ही हम एक दूसरे से अजनबी थे। वह अभी भी एक रहस्य ही था और मैं बस यहाँ लेखकों की मीटिंग के लिए आने वाली इंसान। हम अपनी रोज़मर्रा की बातें करते, जिंदगी और संबंधों पर अपने विचार साझा करते। हर दिन के साथ हमारी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। मैं उस समय की कल्पना भी नहीं कर पाती थी जब विवान कैफे में कॉफ़ी पीता हुआ मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। उसके साथ हर विषय पर बात किए बिना मेरा दिन नहीं पूरा होता था। मैं अपनी कहानी उसे ही समर्पित करना चाहती थी। यह समर्पण लिखने के लिए उसका गिफ्ट ही बढ़िया जगह थी। विवान, अध्याय 10, सैंडल्स। हर दिन मिलने के साथ हम एक दूसरे के और करीब आते जा रहे थे। मैं हर समय मीरा के बारे में सोचता रहता था। काम पर भी उसके मुलायम बाल मेरे गालों को सहलाते हुए महसूस होते, और मुझे याद आता कि उस दिन कैफ़े में मेरे गले में बाहें डालते वक्त वह कितनी गर्म लग रही थी। किसी फूल की खुशबू उसकी खुशबू से ज़्यादा हसीन नहीं थी। कोई सूर्यास्त इतना मनोरम नहीं हो सकता था जितने हसीन रंग उसकी आँखों के थे। सच कहूँ तो मीरा का दिल जितना खुला था उतना ही मैंने खुद को छिपा रखा था। मैं और खुलना चाहता था, लेकिन हर बार जब मैं वो फैसला लेने के करीब आता मैं उन सागरों के बारे में सोचने लगता जिन्हें पार करना मेरा सपना था, और मुझे वो कारण याद आ जाता जिसकी वजह से मैं सबसे भाग जाना चाहता था। आज़ादी मुझे उतना ही ललचाती थी जितनी कैफ़े की वो प्यारी लड़की। एक शाम हम कैफ़े में मिले। इस बार मीरा मुझसे पहले कैफ़े में पहुँच गई थी, और जैसे ही उसने पलट कर मुझे देखा उसके गालों के वो गहरे डिंपल जमा हो गए। हाय पार्टनर, कबीर ने आगे आते हुए हाथ हिलाकर कहा। अब तक कैफे वाली उसकी योजना के बारे में जान चुके थे, तो यह कोई सीक्रेट नहीं था कि वह अपना कैफे खोलने वाला था। हेलो कबीर, मैंने भी अभिवादन किया। मीरा, तो तुम दोनों का आज का दिन कैसा रहा? जैसे ही उन्होंने जवाब दिया अचानक से कई ग्राहकों के ऑर्डर आने लगे। कबीर मुड़कर मेरे लिए कॉफ़ी बनाने लगा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। फिर किसी दिन दोस्त, मैंने कहा। मुझे मीरा की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी कि मैं आज क्यों मना कर रहा था। मैंने काउंटर पर मीरा के कैपेचिनो के पैसे रखे और अपना हाथ उसके हाथ के लिए बढ़ा दिया। क्या हम कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और आज कहीं जाकर थमी है, मैंने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। चलो घूमने चलते हैं।
मुस्कुराती हुई मीरा खड़ी हो गई और अपना कोट और बैग उठाने लगी। बहुत बढ़िया आइडिया है, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। पार्क पास में ही है, कबीर ने मदद के अंदाज में कहा। बेंच तो शायद गीले होंगे, लेकिन घूमने के लिए सही मौसम होगा। मैंने मीरा को देखा। तुम्हें क्या लगता है? उसने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने तुरंत मीरा की बची हुई कैपेचिनो एक पेपर कप में डालकर उस पर ढक्कन लगा दिया। उसने मुझे भी पेपर कप में मेरी कॉफ़ी दी। मज़े करो बच्चों, शरारती आँखों से उसने कहा। हम बाहर की ताज़ी साफ हवा में आ गए। हवा थोड़ी गर्म और कुछ चिपचिपी थी। मीरा ने अपने लंबे बालों की पोनीटेल बना ली और मैंने उसके चेहरे के पास उड़ती लटों को देखा। हमने एक मोड़ से पार्क की ओर चलना शुरू कर दिया। सावधानी से जल्दी चलने वालों को रास्ता देते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय लेना चाहते थे। और तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैंने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों से गूंथते हुए कहा। वह मेरे ऐसा कुछ करने पर हैरान थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। उतना बुरा नहीं, उसने कहा। मेरे बॉस छुट्टियों पर गए हैं, हालांकि मेरे पास काम ज़्यादा है, लेकिन उनके ऑफिस में ना होने पर मैं शांति से अपना काम कर पाती। मैं खिलखिलाया। क्या वह तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करता है? मैंने पूछा। मीरा ने अपने कंधे उचकाए। मुझे नहीं लगता कि वह जानबूझकर ऐसा करता है, उसने कहा। लेकिन वह ऐसा इंसान है जो हर चीज़ को इमरजेंसी की तरह देखता है, यहाँ तक कि आसान काम को भी मुश्किल बना देता है। मैंने भी ऐसे लोगों के साथ काम किया है, मैंने जवाब दिया। हर बात में प्रॉब्लम ढूंढने से काम लंबा ही खींचता जाता है। कल्पना करो कि वो लोग अंदर से कितना परेशान रहते होंगे, उसने कहा। उन्हें ज़रूर तनाव से अल्सर ही हो जाता होगा। ज़िंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हर बात के लिए परेशान हुआ जाए। हम खामोशी से चलते हुए आखिर पार्क के पास आ ही गए। हमने सड़क पार करने से पहले बत्ती के लाल होने का इंतज़ार किया और फिर तेज़ी से उस बिजी रोड को पार कर लिया। पार्क के किनारे पर अचानक से मीरा रुक गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसके नीचे अपने पैरों को देखा और सफाई में हाई हील की एक सैंडल उतारकर दिखाई। दरअसल मैंने वॉक लायक जूते नहीं पहने हैं, उसने समझाया। मैंने माथे पर हाथ मारा। सॉरी, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसने मेरी चिंता को खारिज करते हुए अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, उसने कहा। मुझे बस कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। एक हाथ से मेरी बांह टाइट पकड़ते हुए उसने दूसरे हाथ से अपना सैंडल उतारा। तुम अपने सैंडल उतार रही हो? मैं हंसा। उसने हंसकर सिर हिलाया। क्या तुम जरा इसे पकड़ोगे? मैंने सैंडल पकड़कर फिर से उसे अपनी बांह पकड़ाई ताकि वह दूसरा सैंडल भी उतार सके। फिर उसने दोनों सैंडल अपने बैग में रख लिए। अब ठीक है? मैंने खुशी से पूछा। उसने विश्वास से सिर हिलाया और हमने चलना शुरू कर दिया। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह अब पहले से छोटी नजर आ रही थी और मेरा मन उसके कंधों पर हाथ रखने का कर रहा था। बदले में वह भी मेरे पास सरक आई और हम इस तरह करीब आकर चलने लगे। शाम का मज़ा लेते हुए हम पार्क में घूम रहे थे और हमने बचपन की कुछ यादों पर बात भी की। उसे हंसता देखना